सीजन 14 के पहले एपिसोड में जब राहुल ने पवित्रा से किसकी डिमांड की थी तो अगले दिन से ही पवित्रा और राहुल के बीच फ्लर्टिंग देखने को मिलने लगी थी। हालांकि बीते एपिसोड्स में पवित्रा पुनिया की फीलिंग्स इजाज खान के लिए देखने को मिली, पर अब इजाज खान ने पवित्रा पुनिया को भाव ना देते हुए घर में आई सीनियर कंटेस्टेंट गौहर खान को दिल दे दिया है। और वहीं गौहर खान के पीठ पीछे गौहर की हॉटनेस की चर्चा एजाज खान अभिनव के संग करते नजर आए। हालांकि ये बातें एजाज गौहर से छुपकर कर रहे थे, पर बिग बॉस के घर में भी सिर्फ वही बातें सामने आती हैं जो छुपकर की जाती हैं। दरअसल जब गौहर घर के बाकी सदस्यों को डांस करके कुछ बता रही होती है तो गौहर को दूर बैठ कर निहार रहे एजाज अभिनव से कहते हैं कि यार गौहर बहुत हॉट है, वो मेरी क्रश बन चुकी है। इस पर अभिनव पूछते हैं अगर आपको गौहर पसंद है तो आप रुके क्यों हो। एजाज बताते हैं कि घर में गौहर और मेरा जूनियर और सीनियर वाला कनेक्शन बन चुका है और अगर मेरा किसी पर क्रश आता है तो मैं उसे अवॉइड करने लगता हूं। इसके बाद अभिनव भी गौहर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि गौहर काफी सेंसिएबल टाइप की है। जिसके बाद एजाज गौहर के ड्रेसिंग सेंस और फिटनेस की तारीफ करते नजर आते हैं और गौहर और खुद में कॉमन चीजें ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद एजाज गौहर से बात करने की कोशिश भी करते हैं। वेल, जिस तरह जान कुमार निक्की के पीछे और निक्की निशांत के साथ नजर आ रही हैं और पवित्रा एजाज के और एजाज गौहर के पीछे नजर आ रही हैं, तो इन सब को देखने के बाद लगता है कि बिग बॉस 13 का लव रिकॉर्ड अब ज्यादा दिनों तक नहीं बना रहेगा।